नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम हैं गोदौलिया चौराहे पे। आप सामने देख सकते हैं कि ये है हॉस्पिटल, मरवाड़ी हॉस्पिटल, और इधर है दावत। और आ चुके हैं मणिकर्णिका घाट के बेस्ट लोकेशन पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ जो मणिकर्णिका के घाट के साइड है, उधर काफ़ी तेज से काम हो रहा है, जो देख सकते हैं आप। और काफ़ी हम जम करके घाट के साइड से दिखा रहे हैं, काफ़ी ऊपर से। और अभी घाट जो मणिकर्णिका घाट है, उसके ऊपर का भी व्यू कुछ दिखाएंगे आपको, क्योंकि आज बहुत सारी लाशें यहाँ पर जलाई जा रही हैं, जो आप भी नज़ारा देख के दहल जाएंगे। फिलहाल चलिए अभी विश्वनाथ कॉरिडोर पर बात करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि गंगा व्यू गैलरी और द्वार का काम शुरू हो चुका है। और मणिकर्णिका घाट से ललिता घाट तक का जो कार्य है, अब उसकी जो सूरत है वो बदलने वाली है जल्द ही। काशी विश्वनाथ जो मंदिर कॉरिडोर है, अब वो लगभग ही तैयारी हो चुका है। और बाढ़ के दौरान भी घाट की जो छत थी, छत तक पहुंचने के लिए 100 मीटर की रैप के लिए सर्वे शुरू कराया गया है, और इस पे भी काम जल्द ही स्टार्ट होगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि घाट पर जो 100 दाह संस्कार है, उसकी भी व्यवस्था को और भी दुरुस्त किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं सामने गेट पर, जो कि इसका कार्य भी अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है, और इसे भव्य स्वरूप अब इसे फिनिशिंग काम में भी लिया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए करोड़ों शिव भक्तों की आस्था के केंद्र काशी विश्वनाथ धाम से जुड़े ललिता घाट और जलासीन घाट के साथ ही अब मणिकर्णिका घाट भी, इसकी भी सूरत बदलेगी। ये सामने आप देख सकते हैं मुख्य द्वार है ये वाला ललिता घाट के लिए, और सामने ये है मुख्य शिखर बाबा विश्वनाथ का। दोस्तों, जहां तक आपको बता दूं कि जलासीन और ललिता घाट पर गंगा व्यू गैलरी और भव्य द्वार का काम शुरू कर दिया गया है, जो कि अब इधर का बीच का जो कार्य था कॉरिडोर का, वो लगभग समाप्त हो चुका है और उसकी फिनिशिंग दी जा रही है। और जो ललिता घाट और जलासीन घाट के साइड का जो रास्ता था, जो गेट है भव्य बना हुआ, उसे अब फिनिशिंग का काम दिया जा रहा है। महाशमशान मणिकर्णिका घाट की छत तक पहुंचने के लिए 100 मीटर के रैप पर भी सहमति बनाई गई है। तो फ्रेंड्स लोग, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर धू धू करके चिता जल रहा है। और यहीं से हम मणिकर्णिका घाट पर से ही ऊपर जो छत है, यहाँ से चढ़ करके बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का पूरा व्यू लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला अभी जल रहा है, अभी उसकी जो खोपड़ी है वो बिल्कुल भी वैसी की वैसी है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसे डंडे से पीट पीट के लोग उसको अच्छे से जला रहे हैं। इधर देख लीजिए, तो इसी तरीके से मणिकर्णिका घाट पर आप जब भी देखेंगे 24 घंटे यहाँ पर चिताएं जलती रहती हैं, बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हैं। और मणिकर्णिका घाट को महाशमशान घाट भी कहते हैं यहाँ पर। और यहाँ से बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि बहुत ही पास में है, और इसका भी अब नवीनीकरण हो रहा है, पहले से इसे और भी अच्छा अब करने के लिए लोग यहाँ पर फैसला ले रहे हैं। उधर काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर धाम की जो भव्यता है, वो भी संस्था PASP के निदेशकों के साथ साथ मंदिर प्रशासन की अहम बैठक होगी। काशी विश्वनाथ धाम से सटे मणिकर्णिका घाट को संवारने की तैयारी है। बाढ़ के दौरान भी घाट की छत तक पहुंचने के लिए 100 मीटर के रैप के लिए सर्वे शुरू कराया गया है। इसके साथ ही घाट पर 100 दाह आदि भी व्यवस्था को और भी दुरुस्त किया जाएगा। दोस्तों, ये है जलासीन घाट, आप देख सकते हैं। गंगा व्यू गैलरी से स्वर्ण शिखर का नज़ारा आप सीधे आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी ललिता घाट और जलासीन घाट से जब आप मुख्य द्वार से प्रवेश लेंगे काशी विश्वनाथ धाम के लिए, तो आपको बाबा का जो शिखर है, जो स्वर्ण शिखर है, आपको सामने दिखेगा। जलासीन और ललिता घाट की भव्यता के साथ ही आपको मणिकर्णिका घाट के मूल स्वरूप को संरक्षित करते हुए यहाँ सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इससे अलग ही काशी विश्वनाथ धाम परिसर में नक्काशीदार इमारतों के बीच दमक रहे स्वर्ण शिखर को गंगा घाट से दर्शन के लिए बनने वाले गंगा व्यू गैलरी की स्लाइड पर काम शुरू कर दिया गया है। जलासीन घाट के पंपिंग स्टेशन को अंडरग्राउंड करने के बाद अब वहां पर गंगा व्यू गैलरी के
12 वर्ग मीटर हिस्से को प्लित को तैयार किया जा रहा है। उधर मंदिर परिसर के 12 भवनों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा कि मणिकर्णिका घाट की छत पर 100 मीटर की रैंप बनाने की योजना है, इससे वहां पहुंचना ज्यादा आसान होगा। घाट के मूल स्वरूप को संरक्षित करते हुए वहां सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र प्राधिकरण में शामिल मंदिर के पास के मुहल्ले में सुविधाएं में विकसित करने का काम शुरू किया जाएगा। इसमें गलियों को संवारा जाएगा, साथ ही सीवर की समस्या के समाधान को भी इसमें समाधान किया जाएगा। इसके लिए विशिष्ट क्षेत्र प्राधिकरण में सफाई व्यवस्था के साथ ही सुविधाएं विकसित करने की योजना तैयार कर ली गई है। और देख सकते हैं गाइस कि ये हैं बाबा विश्वनाथ के जस्ट अंदर का, और यहाँ पे जो आउट लोगों को जनता को कंट्रोल करने का कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, वो जस्ट आपको गेट के जस्ट आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। और ये देख सकते हैं ये मणिकर्णिका घाट से जब आप मणिकर्णिका गली से होते हुए जाएंगे, पीछे ये टीन सेट लगा है उसके जस्ट अंदर का है। और ये देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट के ऊपर जस्ट छत है उस पे से ये व्यू का नज़ारा है, देख सकते हैं। और ये है इसके अंदर का, जो कि काफ़ी जूम इन जूम आउट करके आप लोग को दिखाने की पूरी कोशिश किया जाता है। काफ़ी ऊपर ऊपर से व्यू, बहुत मतलब बहुत मशक्कत के बाद ही यहाँ का वीडियो मिलता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आप लोग को यहाँ की एक एक छोटी से छोटी जानकारी आप लोग को प्राप्त हो पाएगी। और ये देख सकते हैं कि ये है वही कंट्रोल रूम, जो कि यहाँ से पब्लिक को कंट्रोल किया जाएगा। और इसकी जो तैयारी है देख सकते हैं कि काफ़ी मजदूर लगे हुए हैं इसे तैयार करने में, और इसकी फिनिशिंग दी जा रही है। और सामने देख सकते हैं ज्ञान वापी मस्जिद आपको वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, और ये है इसका गेट जो कि आप देख सकते हैं ऊपर भी मजदूर कार्य कर रहे हैं। और अभी सुबह सुबह का बहुत समझ लीजिए कि 6 बज रहे होंगे इस वक्त, और देख सकते हैं कि भीड़ आपको काफ़ी हद तक इसमें दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर भीड़ आप 24 घंटों में से आप आएंगे जब भी 12 बजे रात को ही आपको भीड़ नहीं दिखाई देगी, वो भी आपको यहाँ पर हमेशा पब्लिक मिलेंगे लेकिन इतनी भीड़ नहीं रहेगी। लेकिन आपको समझ लीजिए कि 12 घंटों आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा 12 घंटों में से समझ लीजिए कि 16 घंटे आपको यहाँ पर भीड़ ही भीड़ दिखाई देगा। तो काफ़ी अच्छी शहर है जिसकी वजह से आपको भीड़ यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगा। मेन मार्केट भी आपको विश्वनाथ गली के पास ही पास आपको मिल जाएंगे, जो कि फूल मंडी हो गया और जितनी भी बनारसी साड़ियाँ, बहुत ऐसे जो कि कीमती चीज़ है, जो कि सबका मार्केट आपको विश्वनाथ गली के आसपास ही देखने को मिलता है। और देख सकते हैं कि यह है कॉरिडोर का व्यू, तो काफ़ी दूर से ये व्यू है, काफ़ी अच्छी व्यू आ रहा है आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि काम यहाँ का काफ़ी तेज़ी से हो रहा है पहले के अकॉर्डिंग। और काशी जो कि विश्वनाथ कॉरिडोर इस मंथ में बन करके पूरी तरीके से तैयार होने वाला है, जो कि सारा काम यहाँ का हो चुका है, बस ललिता घाट और जलाशय घाट का ही कार्य बाकी रह गया है, बाकी और सब फिनिशिंग दिया जा रहा है, कार्य जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा कि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आप लोग को देखने को मिल जाएगी। वीडियो को मेरे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जय महाकाल करके या आपको आपके अंदर जो भी कुछ होगा और आपको जो भी जानकारी देनी होगी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट मुझे ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग को वीडियो कहाँ की चाहिए बनारस से आप लोग बताइएगा, मैं वहीं की वीडियो शूट करूँगी। तो चलिए हम आ चुके हैं बाहर। थोड़ा सा दोस्तों ना थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे एडिट करने में, कभी इधर कभी उधर हो जाता है,
और वीडियो थोड़ा बहुत इधर उधर से मिलता है, और जो पिछली वीडियो रहती है उसको ही हम ऐड करके जानकारी आप लोग को दूसरा देते हैं, बस वीडियो वही रहता है क्योंकि आप लोग खुद देखते होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।